हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में हम सभी ये देखने वाले हैं कि शेयर्ड केयर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होते हैं। और इसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो सब मेन टॉपिक हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका फोर्थ लेसन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, तो चलिए हम लोग फर्दर इसे स्टडी करते हैं, इसे जानते हैं कि शेयर केयर क्या होता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कंटेंट, मतलब कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके डेफिनेशन, शेयर्ड केयर के डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने स्लाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, तो जिस स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश में समझेगा, और जो स्टूडेंट को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है या फिर कोई भी परेशानी होती है तो वो क्या कर सकता है कि नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक, तो आप उसे भी देख सकते हो, इससे आपको ज्यादा अच्छे वे में समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के डेफिनेशन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग चैलेंजेस, किसका चैलेंज, चैलेंज ऑफ कैप्चरिंग रिच पेशेंट हिस्ट्रीज इन अ कंप्यूटेबल फॉर्म। कंप्यूटर में जब हिस्ट्री को कैप्चर किया जाता है, जब इनपुट किया जाता है, उस समय एक पेशेंट को और एक नर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम लोग इसमें देखेंगे लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड टू द इनेबल लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम डिस्परेट सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे चलकर या फिर मॉडर्न सिस्टम में लेटेस्ट वे में ग्लोबल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका दो मेन टॉपिक है, एक ये थर्ड और एक फोर्थ। जब आप सिलेबस ओपन करोगे तो ये दो टॉपिक का ही मेंशनड है, ये दोनों टॉपिक ही केवल वहां पर आपको दिखेंगे, तो इसका कहीं पर भी आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, नहीं ही आपको इसका नोट्स मिलेगा। तो यदि आपको नोट्स लेना हो तो आप उसके लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद आप हमें लास्ट में मेरा नंबर दिया हुआ है वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, शेयर्ड केयर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। पहला डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड केयर, शेयर्ड केयर रिफर्स टू द हेल्थ केयर अप्रोच वेयर डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, नर्सेस वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट एंड डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द पेशेंट। शेयर्ड केयर क्या होता है, शेयर्ड केयर एक तरीका है जहां पर अलग अलग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मिलके पेशेंट की देखभाल करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, नर्सेस हो गई, उनके साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और पेशेंट को सही तरह की देखभाल मिलती है। ठीक, तो ये हो गया आपका शेयर्ड केयर। आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट पेपर चार्ट, दे कंटेन मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट प्लान्स, इम्यूनाइजेशन, एलर्जीज, रेडियोलॉजी इमेजेस एंड लैब टेस्ट। इसमें ये सारा कुछ मेंशन्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो होता है वो डिजिटल वर्जन होते हैं, किसी भी डेटा का डिजिटल वर्जन होता है। इसमें पेशेंट के जितने भी डेटा होते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री हो गया, डायग्नोसिस हो गया, उनके मेडिकेशंस हो गए, दवाइयाँ हो गई, ट्रीटमेंट प्लान्स हो गया, वैक्सीनेशन डेट हो गया, ठीक, एलर्जी, उस पेशेंट को किस किस चीज़ से एलर्जी है,
एक्सरे का डेटा या जो भी लैब टेस्ट का डेटा है वो सारा कुछ इस डिजिटल फॉर्म में मेंशन रहता है, सिस्टम में चढ़ा हुआ रहता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। ओके, यहां पर हम लोग चैलेंजेस देखेंगे। तो चैलेंजेस को फर्दर स्टडी करने से पहले, डिटेल में स्टडी करने से पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को देखेंगे। इस फ्लो चार्ट में क्या है, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं। डेटा इंटीग्रेशन है, प्राइवेसी कंसर्न है, इंटरऑपरेबिलिटी है, एक्यूरेसी है और लैंग्वेजेस हैं। तो ये 5 ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये 5ों को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सारे लेसन में आप इसे देखोगे। ठीक, तो इसे 1 बाय 1 हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग चैलेंजेस को पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग इसके ब्रीफ डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉम्बाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पेपर, रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिस्टम इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह से डेटा को कैप्चर करते हैं। ठीक, जैसे हो गया कि एक हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड होते हैं, वहां से भी डेटा कलेक्ट करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन जो एरिया होता है या फिर रेडियोलॉजी एरिया होता है, वहां से हम लोग लैब टेस्ट कैप्चर करते हैं। ठीक, और फिर ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन वाला डेटा को कैप्चर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सारा डेटा को सिस्टम पर, उस समय पड़ता है ड्यूरिंग, जब भी उस डेटा को सिस्टम में इनपुट किया जाता है उस समय या तो एरर के चांसेस हो सकते हैं या फिर क्या होता है कि एक्यूरेटली जो भी डेटा है वो सही से पता नहीं चल पाता है कि उस डेटा में दिखा क्या है या फिर उस डेटा में दिया क्या गया है, तो उस समय भी एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन के समय ये एक चैलेंज फेस करने को मिलता है। सेकेंड, प्राइवेसी कंसर्न, मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी वाइल डिजिटाइजिंग सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन रिक्वायर रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। पेशेंट का, जो भी पेशेंट होता है उसके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, छिपा कर रखा जाता है। ठीक, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। जैसे होता है कि जैसे पेपर वाले डेटा होते थे, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो आज भी वहां पर पेपर पर ही सारा डेटा को इनपुट किया जाता है, तो वहां पर डेटा चोरी होने का चांसेस ज्यादा होता है, या फिर वो डेटा क्या हो सकता है, गायब हो सकता है, या फिर उस पर पानी गिर सकता है, चूहे खा सकते हैं। ठीक, पेपर वाले डेटा को अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिजिटल वे में। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट तो कर देते हैं, बट यदि हम लोग प्राइवेसी कंसर्न न करें, प्राइवेसी का ध्यान न रखें, तो उस समय क्या होगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है या कोई इंसान कंप्यूटर चलाना जानता है तो वहां से उस डेटा को चोरी कर सकता है, पेन ड्राइव में या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस में। ओके, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थर्ड है आपका इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इंश्योरिंग डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम कैन कम्युनिकेट एंड शेयर पेशेंट डेटा सिमलेसली इज अ सिग्निफिकेंट हर्डल ड्यू टू डाइवर्स सॉफ्टवेयर एंड डेटा फॉर्मेट यूज्ड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से आप सुनना, अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम को आपस में सिमलेसली डेटा शेयर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हर जगह अलग सॉफ्टवेयर और डेटा फॉर्मेट यूज होते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ,
कि मान लो कि दो हॉस्पिटल है, एक है मैक्स हॉस्पिटल, दूसरा है सिनर्जी हॉस्पिटल। यदि मान लो कि जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है या फिर वहां पर जो हायरार्की यूज होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सिनर्जी हॉस्पिटल में नहीं होता है, सिनर्जी हॉस्पिटल में दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो अब मान लो कि आप हो नर्स, तो आप काम कर रहे हो मैक्स हॉस्पिटल में, तो मैक्स हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको पता है कि मैक्स हॉस्पिटल में कैसे सिस्टम पर काम किया जाता है, कैसे कंप्यूटर पर काम किया जाता है, बट आप आपका ट्रांसफर हो गया या फिर आपने मैक्स को छोड़ के सिनर्जी में चले गए, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां का सिस्टम अलग है, उसका सीक्वेंस अलग है, तो फिर क्या होता है कि चैलेंज फेस करना पड़ता है, फिर से आपको वहां सीखना पड़ेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो ये भी क्या होता है, एक चैलेंज होता है। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ओबियस सी बात है, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस भी क्या होती है, एक चैलेंज होती है। गार्डनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट हिस्ट्री इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग अ वाइड एरे ऑफ डिटेल्स एक्यूरेटली विच मे बी सब्जेक्टिव और प्रोन टू ह्यूमन एरर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को एक्यूरेटली कैप्चर करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार सब्जेक्टिव होता है डेटा, ठीक, जो डेटा होते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं और ह्यूमन एरर से भी अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग जब इनपुट करते हैं तो हमसे भी वो गलतियां हो सकती है, जैसे कोई ना कोई नर्स ही तो डेटा को इनपुट करेगा, या तो मेल या फीमेल जो नर्स होती हैं वही तो डेटा को सिस्टम में इनपुट करेंगी। यदि मान लो इनपुट करते वक्त आप बहुत स्पीडली क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, बहुत तेजी से टाइप कर रहे हो, और टाइप करते वक्त क्या होगा कि स्पेलिंग गलती हो गया, या आपने स्पेलिंग को छोड़ दिया, या कोई लेटर छूट गया, या कोई वर्ड छूट गया, तो वो एक्यूरेसी एक चैलेंज फेस करवा सकता है। उससे क्या होगा कि जब आप उस डेटा को फॉरवर्ड करोगे दूसरे सिस्टम में, तो उससे क्या हो सकता है कि वो जो दूसरा इंसान है उस डेटा को स्टडी करेगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, समझ रहे हो? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे फिफ्थ जो पॉइंट है, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। ऑब्वियस सी बात है, यदि मान लो कि आप हिंदी में टाइप किए या फिर इंग्लिश में टाइप किया आपने, और वो अगले वाले इंसान को वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रहा है, उसे तेलुगु समझ में आता है, एक लैंग्वेज बैरियर हुआ कि नहीं हुआ? या फिर मान लो कि कोई ऐसा इंसान है उसे हिंदी ही समझ में आता है बट सारा टाइपिंग इंग्लिश में है, तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो लैंग्वेज बैरियर भी एक क्या है, चैलेंज हो सकता है। पेशेंट हिस्ट्री माइट बी रिकॉर्डेड इन वेरियस लैंग्वेजेस मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर अ सिस्टम टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द डेटा एक्यूरेटली। अब क्या होता है कि सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डेटा को इनपुट किया जाता है, अब वो सिस्टम कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट नहीं करते हो, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये है आपका लास्ट, और यहां तक आपने आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक, और अपने फ्रेंड से शेयर करना। यहां पर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, सारा कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करके आपको इंटीग्रेट करके देने का कोशिश कर रहा हूं, तो आपके लिए तो एक लाइक बनता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जो आप आपका सिलेबस देखोगे तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक का सॉल्यूशन यही मिलने वाला है। तो इसमें पहला पॉइंट है इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इम्फेसाइज इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स दैट इनेबल डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा सिमलेसली। इसमें क्या होता है कि जब नए नए विकास होते हैं तो सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करने वाले स्टैंडर्ड पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
समझ रहे हो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है एफ एच आई आर क्या होता है? फास्ट हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी रिसोर्सेस। एफ एच आई आर इज अ लीडिंग स्टैंडर्ड यूज टू एक्सचेंज हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। इट इनेबल्स एफ ई एच आर सिस्टम टू शेयर डेटा इफिशियंटली एंड सिक्योरली। ओके, ये एक लीडिंग स्टैंडर्ड है जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक्सचेंज करने में यूज होता है। इससे ईएचआर सिस्टम डेटा को आसानी से और सिक्योर तरीके से शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है लाइफ लॉन्ग हेल्थ रिकॉर्ड। द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग हेल्थ रिकॉर्ड्स दैट कैन फॉलो इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्रीगेटिंग हेल्थ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड सिस्टम। ध्यान इस बात पर है कि एक ऐसा हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाए जो इंसान को पूरे जीवन में उसके साथ चले। ये रिकॉर्ड अलग अलग सोर्स और सिस्टम से हेल्थ डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि आप आज मैक्स हॉस्पिटल में गए, कल आप सिनर्जी हॉस्पिटल में गए, तो आपका डेटा मैक्स में भी है, सिनर्जी में भी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आपके सारा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में एक जगह इकट्ठा करके रखने का काम कर सके। ठीक, फोर्थ पॉइंट, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये क्या होता है? स्ट्रिंजेंट मेजर्स आर इन अ प्लेस टू इंश्योर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लायंस विद द रेगुलेशन लाइक HIPAA इन द US इज क्रूशियल। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर कड़ी नियत है। HIPAA जैसे रेगुलेशन का पालन करना जरूरी है अगर आप US में काम कर रहे हो तो। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि BSc नर्सिंग करने के बाद US चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, तो वहां पर उनका अपना रेगुलेशन होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो यदि आप US में जाते हो तो HIPAA का पालन करना होता है। ठीक, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और लास्ट पॉइंट है पेशेंट एक्सेस एंड कंट्रोल। देयर्स अ पुश फॉर द एम्पावरिंग पेशेंट टू हैव एक्सेस टू देयर हेल्थ रिकॉर्ड एंड कंट्रोल ओवर हु कैन व्यू और यूज देयर डेटा। अब देखो बच्चों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि पेशेंट का एक्सेस और कंट्रोल क्या होता है। पेशेंट को उनके हेल्थ रिकॉर्ड तक एक्सेस और कंट्रोल देने की बात पर स्ट्रेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंसान उस पर ध्यान दे रहा है। उन्हें ये पावर देना है कि कौन उनका डेटा देख सकता है और कौन यूज कर सकता है। ठीक, ये हमारा राइट है कि पेशेंट के डेटा को कौन देख सकता है और कौन यूज कर सकता है। यदि आप उस राइट को फॉलो करते हो तो कोई भी एरर नहीं होगा या फिर कोई भी डेटा चोरी नहीं होगी। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो या तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हो, या पर यहाँ वहां पर क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, तो यहां पर यदि आपको कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट आपको बनवानी हो ऑर्डर देकर तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो कि सर ये रिक्वायरमेंट बनानी है, और उसके थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आपको नर्सिंग से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमें बता सकते हो, और आप हमें सपोर्ट करते रहें। और यदि आपको हमारी वीडियो और या हमारी लेक्चर समझ में आ रही हो
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और थैंक यू।